तो अच्छी खबर गढ़वा से आपने देखी है, अब लापरवाही की आपको खबर हम दिखाते हैं। सवाल एक ही है कि कैसे आखिर टूटेगा ये चेन अगर हम इस तरह से लापरवाही बरतेंगे। तो धनबाद के कंटेनमेंट जोन से लोग बाहर निकल रहे हैं, हालांकि प्रशासन ने जोन से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी है, लेकिन प्रशासन की लोग अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही को दर्शाता है कि हम स्वतः निमंत्रण दे रहे हैं खतरे को कि आइए हमें अपनी चपेट में ले लीजिए, अगर कंटेनमेंट जोन प्रशासन ने बनाया है। याद कीजिए, पहला जब कोरोना का स्ट्रेन आया था, जब पिछले साल की बात की जाए, तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, रांची के हिंदपीढ़ी को सील कर दिया गया था, मगर लोगों ने प्रशासन सरकार के आदेशों का पालन किया और कई महीनों तक उनका पूरा इलाका सील रहा। खाने पीने की दिक्कत हो गई मगर वो घरों से बाहर नहीं निकले। मगर धनबाद की सूरत ये डरा रही है, क्योंकि धनबाद जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बना रखा है। इस जोन से बाहर आने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन लोग अपने साथ दूसरों की जान जोखिम में डालकर बाहर चले आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकल रहे लोग, जोन से बाहर ना निकलने की है चेतावनी, प्रशासन की लोग कर रहे अवहेलना। शहर के 70 स्थानों पर है कंटेनमेंट जोन। आम जनों ने कहा हमारे लिए खतरनाक, एक ही स्थान और बिल्डिंग से कोरोना के 6 या उससे अधिक संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन उस बिल्डिंग को सील करते हुए कर्फ्यू लगा रहा है। इसके तहत प्रसार के चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन के लोगों को उनके घरों से पूरी तरह निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिलहाल जिले में लगभग 17 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए, परंतु लोगों में इसके प्रति लापरवाही साफ देखी जा रही है। ये 14 दिन का कंटेनमेंट जोन होता है और हमारी टीम MOIC प्लस इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और लोगों की जांच करते हैं, प्लस लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वहाँ पे रहें। अभी वर्तमान में 66 कंटेनमेंट जोन थे, जिनका अवधि जो 14 दिन है वो 29 का भी ख़त्म हो चुका है। बाकी जगहों पे कंटेनमेंट जोन चल रहा है। आज भी हमारे पास कल आए हैं 15 और अभी कंटेनमेंट जोन बनेंगे। कंटेनमेंट जोन बनाने का पर्पज़ बेसिकली यही होता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और लोगों को जो वहाँ पे हैं उनको मेडिकल सुरक्षा हमेशा नियमित जाँच करें। चूँकि वही आम लोग भी इसे समाज के लिए खतरनाक मानते हैं। लोगों का कहना है कि हम यदि कोरोना से बचाव के लिए दिए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो न हम खुद का या अपने परिवार के लिए परेशानी बन सकते हैं, बल्कि समाज में भी संक्रमण का प्रसार बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। सोचना चाहिए, उनके फैमिली को भी सोचना चाहिए, अगर वो बाहर निकलते हैं दूसरे को भी संक्रमित करेंगे, इसलिए अच्छा है कि वो खुद भी समझे इस बात को कि उसको बाहर निकलने से बंद करे और समाज को भी ध्यान रखते हुए सोचे कि घर से निकलना नहीं है। जिस तरह का देखा जा रहा है वो तो अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से आदमी मर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, तो और बढ़ते जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है 3rd फेज आने वाला है। सरकार का सख्ती का आदेश का पालन तभी हो सकता है जब जनता जागरूक होगी, और जनता को अपने से प्रिकॉशन लेना होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, प्रिकॉशन नहीं लेगा, टीका नहीं लगाएगा, तब तक कोरोना का मात नहीं दिया जा सकता। इसलिए जनता से यही आग्रह है कि सब जनता अपने से प्रिकॉशन ले और टीका का जरूर उपयोग कराए, जरूर टीका ले और सरकार के साथ रहे, सरकार का गाइडलाइन का पालन। बहरहाल सरकार के गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं, इसलिए यदि हमें कंटेनमेंट जोन में रखा गया है तो फिर हम पूरे SOP का पालन करके इस चेन को तोड़ सकते हैं। अन्यथा लापरवाही की क्या सजा हो सकती है कोई भी समझ सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो ये लापरवाही घातक है और अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा, हालात ज्यादा नहीं बिगड़े, अभी भी अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाला समय काफी खतरनाक हो सकता है। अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, जिस तरह से लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जी देखिए, बिल्कुल कहें तो धनबाद ज़िले में लगभग 70 से अधिक कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, लेकिन लोग अभी तक इसको लेकर अलर्ट नहीं है, अभी तक इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और जिस उसको कर्फ्यू लगाते हुए आपको घरों के अंदर रखने के लिए बोला गया है, उसके उसमें आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और आप लापरवाह होकर जिस तरह बाहर निकलेंगे,
ये न सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप संक्रमित हों, क्योंकि जब तक आपकी जांच नहीं हो जाती है तब तक आपको जो जो निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, आपको 14 दिन तक वहां अंदर में ही रहना है, और ये लापरवाही समाज के लिए भी बहुत घातक हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन इस बात को मान रहा है कि चूँकि कंटेनमेंट जोनों की जोन की संख्या बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर की कमी है, सभी जगह फोर्स नहीं दिए जा सकते हैं, तो आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी के लिए सोचना पड़ेगा और कैसे बचाना है आपकी अपनी ज़िंदगी, इस पर ध्यान देना होगा। तो कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर आपको निर्देशित किया गया है, आपको रहने के लिए कहा गया है, तो आप कंटेनमेंट जोन में रहें और जो तय दिन हैं, तय दिवस हैं, उस तक का पालन करें और बाहर ना निकलें। आपके लिए जिला प्रशासन बराबर लगा हुआ है, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं इंसिडेंट कमांडेंट के माध्यम से आपको पूरी होगी, मेडिसिन की जो सुविधा है वो मिलेगी, लेकिन आप घरों से बाहर ना निकलें। जी बढ़ते लापरवाही उनके उनके परिवार और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।